हेलो दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम जानेंगे कि ब्रश, पंच रोलर या फिर ये हमारा कॉटन वाला रोलर है, इससे वॉल पर अच्छे से पेंट हो सकता है या फिर हमारी ये जो इलेक्ट्रिक स्प्रे गन है उसके मदद से हम अच्छे से पेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमने यूज़ किए हैं, यहाँ पे अल्टीमा कलर है वो यूज़ करने वाले हैं, और इसे हम कोई वॉल पुट्टी वाली सरफेस पर नहीं करने वाले हैं। डायरेक्ट आप पीछे ये प्लास्टर देख रहे हो, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि अगर प्राइमर भी होता तो ये किस तरह से अप्लाई होता, और कोई भी नॉर्मल पेंट हम लगाते तो ब्रश से अच्छे से होता है या फिर हमारा जो इलेक्ट्रिक स्प्रे गन है उसके मदद से अच्छे से होता। आपको ये कलर पता नहीं कि कौन सा है, हम किस तरह से यूज़ करें या फिर कोड वगैरह जानना है, तो हमने एक टेंपल पेंटिंग किया था, मंदिर कलर किया था, उसका ये कलर बचा हुआ है। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कलर कौन सा है, और वहाँ पे हमने ये सब लिखा है कि ये कलर हमने, आप देख सकते हो ये सब बाल्टी है यूज़ किए हुए थे, इसका कलर रेडी है दोस्तों। इसके अंदर हमने पानी वगैरह कुछ मिलाना नहीं है क्योंकि ये हमने रेडी टू यूज़ है। अगर आपको मिलाना होता तो 1 लीटर के अंदर 400 से 500 ml आप पानी ऐड कर सकते थे, पर अभी हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ये रेडी पहले से बने आए हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये पूरी सरफेस है इसके अंदर हम 3 अलग अलग बॉक्स बना लेते हैं ताकि हमें भी पता चले कि कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं ब्रश यूज़ करके लाइंस खींच के अलग अलग पहले बॉक्स बना लेता हूँ। हाँ, इतना बॉक्स रखते हैं। यहाँ पे हम ब्रश यूज़ करेंगे और ये वाले पार्ट पे हम रोलर यूज करेंगे, स्पंज रोलर या फिर आप कॉटन रोलर, दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इसलिए हम दोनों का ट्राई कर देखेंगे इसके अंदर। और लास्ट में ये पार्ट बचा है पीछे, यहाँ पे हम स्प्रे गन यूज करके देखेंगे तीनों में से किसका फिनिशिंग अच्छा है। दोस्तों, इसमें हम जितना हो सके उतना अच्छे से फिनिशिंग लाने की कोशिश करेंगे, इसलिए 1-2 कोट हम ज्यादा लगाएंगे क्योंकि ये ब्रश है, हमें पता है इसके अंदर लाइंस वगैरह आने वाली है, तो इसीलिए हम हो सके उतना फिनिशिंग लाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो दोस्तों, मैंने इलेक्ट्रिक स्प्रे गन इसीलिए लिया है ताकि हम जब बाहर करते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग, तो वहां पे एयरलेस स्प्रे गन होता है, पर अभी छोटे से आपको डेमो के लिए मैं एयरलेस स्प्रे गन तो नहीं ला सकता, इसलिए मैंने हमारी इलेक्ट्रिक स्प्रे गन का यूज किया है। वैसे काम दोनों सेम ही करता है, स्प्रे से करता है, तो दोनों का रिजल्ट अच्छा ही होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक स्प्रे गन यूज करो या फिर वो करो, दोनों सेम रहता है। पर फर्क इतना होता है कि एयरलेस स्प्रे गन है वो बड़े काम के लिए होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा काम एक साथ हमें करना होता है, तो वहां पे एयरलेस स्प्रे गन यूज होती है, और इलेक्ट्रिक स्प्रे गन हमें छोटे काम के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ब्रश से तो कंप्लीट कर लिया, अब हम यहाँ पे रोलर से करेंगे। दोस्तों, ये दोनों रोलर है, पहले एक पट्टा हम इससे कर लेते हैं और दूसरा पट्टा इससे करेंगे ताकि आपको भी आइडिया लग जाए स्पंज रोलर भी अच्छा हो या फिर कॉटन रोलर से करना चाहिए। वैसे इंटर एरिया तो आप स्पंज रोलर से काफी अच्छे से होता है, तो पहले स्पंज रोलर ही यूज करते हैं। दोस्तों, रोलर में करने में एक और दिक्कत होती है, इसके अंदर हम जल्दबाजी में करने जाएंगे तो ये कलर है पूरा चारों तरफ फैल जाता है, छेटे उड़ते हैं, इसलिए फर्स्ट कोट अगर आपको करना है और आप बिगिनर हो, आपको उतना आता नहीं है रोलर चलाना, तो मैं सजेशन करूंगा ब्रश से ही करो। अभी हमने ये पट्टा तो इससे कर लिया, आप देख सकते हो किस तरह से होता है, अभी हम ये रोलर भी यूज करके देखते हैं। वैसे एक और बात बताना चाहूंगा, ये रोलर से, ये जो कॉटन का रोलर है उसमें हमारा कलर है वो ज्यादा आता है, उसके वजह से इसकी फिनिशिंग और कवरेज दोनों अच्छा हो जाता है, ये मेरा मानना है। दोस्तों, आप अगर क्या सोचते हो वो मुझे कमेंट में बता सकते हो, आपको कौन सा रोलर ज्यादा पसंद आता है, कॉटन वाला या फिर स्पंज रोलर वाला। वैसे तो मैं दोस्तों इंटीरियर में स्पंज और कॉटन दोनों यूज करता हूँ, और एक्सटीरियर का वर्क हो तो मैं वहां पे ज्यादातर कॉटन रोलर ही यूज करता हूँ ताकि उसकी कवरेज भी बहुत अच्छे से आ जाती है। एक ही बार में आप देख सकते हो, यानी हमने ये पूरा पार्ट था वो कवर कर दिया है, और वैसे ही सेम कंडीशन में हमने ये रोलर लिया था, तो इतना पार्ट करने के लिए हमें 2 से 3 बार इसे कलर के अंदर डिप करना पड़ा था, सोखता नहीं है कलर इसके अंदर, और पूरा अच्छे से हो जाता है। तो आपको ये ब्रश और ये स्पंज रोलर
और ये वाला रोलर तीनों से कर दिए। अब स्प्रे गन के बारी है, तो स्प्रे गन के लिए हम पूरा टैंक भर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों घर में कलर डालने के लिए हमने ये टैंक ले लिया है। ये टैंक आप देख सकते हो 800 ml का है, पर इसके अंदर हम 200 ml जितना यूज करेंगे, क्योंकि इतने पार्ट के लिए हमें पूरा 800 ml चाहिए नहीं, इसलिए हम ये पहले फिलअप कर लेते हैं। इतने ही कलर में हमारा पूरा काम हो जाएगा अच्छे से। तो ये पहले हम घर में इसे अच्छे से फिट कर देते हैं। तो दोस्तों अभी हमने ये गन को अच्छे से बोर्ड वगैरह सब कंप्लीट करके इसके अंदर फिट अप कर दिया है, तो यहाँ पे हम लगाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, स्प्रे गन से अगर हो सकता है कि कलर ड्रिप हो, वो सब चांसेस होते हैं, पर वो डिपेंड होता है कि चलाते हैं किस तरह से और चलाने वाला कौन सा है। अगर उसके हाथ में अच्छे से प्रैक्टिस हो तो कुछ भी कलर ड्रिप नहीं होता है, अच्छे से होता है। तो तीनों में से फिनिशिंग कौन सी अच्छी लग रही है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वैसे मुझे फिनिशिंग देखने में ब्रश की अच्छी लग रही है, पर अभी तक वो सूख गया इसलिए हमें ऐसा लग रहा है, शायद तीनों को अच्छे से सूख जाए फिर हम बात करते हैं कि तीनों में से अच्छा कौन सा लग रहा है हमें। और हाँ दोस्तों, आपको ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो अभी थोड़ी देर सूखने देते हैं और फिर आगे देखते हैं कि तीनों में से कौन सा अच्छा रिजल्ट देता है हमें।